कैंसर डरावना चिंताजनक सदमा लगता है। आसान नहीं है पर सामना तो करना ही है और इलाज भी, तो क्यों ना हम एक बेहतर मरीज बनके इसका सामना करें। कुछ ठोस सलाह डॉक्टर्स काउंसलर्स और ठीक हुए कैंसर मरीजों से। सबसे पहली बात, स्वीकार करें कि आपको कैंसर है। मैंने खुद ये पूरी जर्नी अपनी कवर की है और अपने साथ और बहुत सारे पेशेंट्स जो उस टाइम पे जिनका ट्रीटमेंट हो रहा था उनकी जर्नी भी कवर की है एक तरीके से। और कैंसर एक्चुअली बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में इतना ज़्यादा ट्रीटेबल है और इतना कम्फर्टेबली ट्रीटेबल है कि मुझे लगता है अगर हम लोग बिल्कुल पॉजिटिवली और बहुत नॉर्मली उसको लें तो वो एक्सपीरियंस बहुत नॉर्मली चला जाता है। आई मीन नोबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दिस, पर एक बार आपकी लाइफ में आ गया है तो मतलब यू डोंट हैव एन ऑप्शन। द ओनली थिंग वी ट्राइड वॉज टू कीप अ पॉजिटिव अप्रोच। इट्स एज गुड एज एनी अदर इलनेस, द ओनली थिंग इज अ लिटिल लॉन्गर। और क्योंकि इलाज का ये सफर थोड़ा लंबा है, जरूरत है जानकारी की। फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन वुड बी टू सीक इन्फॉर्मेशन। Try to find out exactly what this is. Breast cancer comes in several different forms, several different types. Find out what it is. Find out, you know, how it's progressing. Get in touch with, be a part of those decisions that are made. Madad mange aur madad swikar kare. Doston se, parivar aur priyajano se. Ye salah hai Padma ki. Unhone cancer ka samna kiya apne bhai और मित्रों की मदद से। आपको एक डिजीज है, आप उसे फाइट कर रहे हो और आप फिजिकली जब किसी चीज को फाइट कर रहे हो तो आप फिजिकली वीक हो, एक्सेप्ट करो उस चीज को। मदद मांगना, सहारा लेना हमारी ताकत का सबूत, कमजोरी नहीं। कैंसर रोगी होने का शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव आसान नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप इससे जूझ नहीं पा रहे, उदासी या मायूसी में डूब रही हैं, तो विशेष मदद लेने से कतराएं नहीं। What I'd like to point out is that when you seek help, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मदद लेना कमजोरी नहीं। मदद लेने का मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, बल्कि ये कि आप सचमुच मजबूत हैं, आप जिम्मेदार हैं और आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहती हैं। ये कहता है कि आप समस्या का सामना करना चाहती हैं। I'm going to tackle it, I'm going to seek help for it, and I'm going to do something about it and get myself back on track. कैंसर विशेषज्ञ तजुर्बे से बताते हैं कि सकारात्मक रवैया मदद करता है। मेरे हिसाब से जो है सब स्ट्रेंथ जो है वो वुमेन के अंदर है, वो लेडी के अंदर है, वो स्ट्रेंथ उसको बाहर लाना है। ट्रीटमेंट अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से शुरू किया जाए कि नहीं मैं ठीक हो रही हूँ, तो बहुत फायदा होता है। तो मेरी तरफ से जो है मैं समझती हूँ कि पेशेंट को पहले ये पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। तो जिस तरह बोला जाता है कि ग्लास में पानी आधा है तो आधा खाली है कि आधा भरा है, वो आधा भरा जो बोलता है वो डेफिनेटली सही ट्रैक पे है। टाटा मेमोरियल अस्पताल के निदेशक से एक खास सलाह आप सबके लिए। अपने घर के पास, अपने शहर के पास कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं आप। भारत में ऐसे अस्पताल कई शहरों में हैं। हर इलाके में, हर सिटी में आज कैंसर एक्सपर्ट्स हैं। तो आप ये देखो कि एक आध कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, फिर वो हैदराबाद में हो या दिल्ली में हो या कोलकाता में हो या मुंबई में हो, ट्रीटमेंट वही रहेगी। हमारे यहाँ टाटा अस्पताल की, आईसीएमआर की और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस है, जो गाइडलाइंस यूनिफॉर्म है और वो सब लोग फॉलो करते हैं, तो ट्रीटमेंट वही रहेगी। किसी भी कोने में जाओ इंडिया के, लेकिन यदि आप अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास न जाओ तो ट्रीटमेंट कैसे मिलेगी इसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज कराएं और शहर के पास ही
किसी अच्छे अस्पताल में जाने से ना घबराएं। कैंसर रोगियों और परिवारों की सबसे बड़ी मुसीबत है सलाह। क्या खाएं क्या नहीं, क्या पहने क्या नहीं, कैसे सोएं, हर तरह के घरेलू नुस्खे। आप अपने डॉक्टर की बात सुने, उसकी सलाह पर चलें। I started off with yoga before my chemotherapy itself. I was told yoga works. But yeah, वो advices तो आती रहती हैं, completely go organic. I tried to do that. I realized that I just could not digest organic food because the system is any which way is not really working well. Then lots of things. As you said, you know, कोई prunes लाकर दे रहा है, कोई कह रहा है कि अच्छा दिन में pomegranate खाओ तो मतलब चार खा लो, and I used to end up feeling के मतलब मेरे पेट में तो खेती हो गई होगी अब तक. But the thing is, some of it helps. आप आयुर्वेदा लीजिए, आप वीट ग्रास लीजिए, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बोली जाती है, बट यू जस्ट बी फोकस एंड जस्ट लिसन टू योर डॉक्टर, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर डॉक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हु इज गोइंग टू गिव यू द करेक्ट एडवाइस अबाउट योर ट्रीटमेंट. जस्ट डोंट लिसन टू ईच एंड एवरीबॉडी. बेस्ट थिंग इज टू टॉक टू योर डॉक्टर एंड जस्ट लिसन टू द एडवाइस. मेनी टाइम्स व्हाट एडवाइस द डॉक्टर्स गिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट डजंट मेक सेंस. And but if it doesn't make sense to you, ask them. You ask them an open, direct question that why you are suggesting this, why you did not tell this to the other patient. Almost all patients, they exchange notes. They say, this patient was given this drug, I was not given this drug. This patient was given red drug, I was given blue drug. This patient was given tamoxifen, I was given this. So each case is different. For us, if it was so simple that each patient's treatment was same, we would have computers and robots treating patients. We won't require oncologists. कुछ छोटी छोटी बातें जो इलाज में आपके डॉक्टर की मदद करेंगी. अपने इलाज पर केंद्रित रहें. डॉक्टर के पास जाने से पहले तैयारी करें. अपने सवाल परेशानियां सबकी सूची बना लें. दवाएं और इलाज समय से लें. टेस्ट समय पर कराएं. कान के कच्चे ना बने. और याद रखें, ब्रेस्ट कैंसर का उपचार संभव है.